इस वीडियो में हम प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। प्लांट्स की लगभग 3,90,900 नोन स्पीशीज हैं। प्लांट्स की ये डायवर्सिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है। प्लांट्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स के फ्लावर्स में होने के कारण इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में होता है। हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट की लेबलिंग से शुरुआत करेंगे। पेटल्स और सेपल्स फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही इनके ब्राइट कलर्ड और सुगंधित होने के कारण ये पॉलिनेटर्स यानी पराग कणों को अट्रैक्ट भी करते हैं। स्टेम और रिसेप्टिकल फ्लावर को बाकी प्लांट से कनेक्ट करते हैं। स्टेमिन फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इसके दो पार्ट्स एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर में पोलन का प्रोडक्शन होता है, जबकि फिलामेंट का स्टॉक एंथर को सपोर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर पोलन के प्रोडक्शन और पोजीशनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर के फीमेल पार्ट को कापल कहते हैं। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, ये स्टिकी पार्ट होता है जो पोलन्स को अट्रैक्ट करता है। स्टाइल और ओवरी, इसमें फीमेल गैमेट्स या सेक्स सेल होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पॉलिनेशन काम कैसे करता है? पॉलिनेशन में पोलन्स किसी एक फ्लावर के मेल एंथर से दूसरे फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। फ्लावर्स में पॉलिनेशन कई तरह से होता है। ये एयर, वाटर या फिर इंसेक्ट्स, बर्ड्स या एनिमल्स जैसे पॉलिनेटर्स के जरिए हो सकता है। पॉलिनेटर्स के जरिए पॉलिनेटेड फ्लावर का स्ट्रक्चर विंड और एयर के जरिए पॉलिनेटेड फ्लावर से डिफरेंट होता है। स्टेमिन की पोजीशनिंग, स्टाइल और पेटल्स के साइज, सेंट और कलर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे उनके बीच के कुछ मेन डिफरेंसेस को बताया गया है। आपको क्या लगता है ये डिफरेंट क्यों है? क्या आपको पता है कि पॉलिनेटर्स हमारे फूड सप्लाई के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? हमारे फूड की प्रत्येक 3 में से 1 बाइट के लिए पॉलिनेटर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही पॉलिनेटर्स प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। प्लांट्स के एक बार पॉलिनेट होने पे फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने पे सीड्स का प्रोडक्शन होने लगता है। 2 मेल सेक्स वाले इमेच्योर पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज वाले फीमेल स्टिग्मा में प्रवेश करते हैं। पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनती है जो फीमेल स्टाइल और ओवरी से होते हुए माइक्रोपाइल की ओपनिंग तक पहुंचती है। मेल सेक्स सेल पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब के जरिए फीमेल एग तक पहुंचते हैं। यहाँ पे एक मेल सेक्स सेल फीमेल एग से मिलके फर्टिलाइजेशन शुरू कर देते हैं, जिससे सीड का प्रोडक्शन होता है। दूसरा मेल सेक्स एम्ब्रियो सेक की 2 सेल्स के साथ मिलके एंडोस्कोप बनाते हैं। ये सीड के डेवलपमेंट के लिए उसे स्टार्ची फूड प्रोवाइड करता है। ओवरी बड़ा होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सीड्स ओवरी के बीच में आ जाते हैं। फ्रूट्स और सीड्स का डिस्पर्शन कई तरह से होता है। डिस्पर्शन ह्यूमंस के जरिए भी होता है। फेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लंबी प्रोसेस के बाद सीड्स और फ्रूट्स नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्लांट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होता है। फ्लावर के एंथर में मेल पॉलन का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे पॉलिनेशन के दौरान इसका डिस्पर्शन होता है। फ्लावर के फीमेल पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हैं।